नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम सीएसएस के अंदर टॉपिक करेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो हमारी बैकग्राउंड है वो हमें लगता है कि हमारे पेज के ऊपर फिक्स आए, मतलब अपनी जगह से हिले ना, टेक्स्ट उसके ऊपर मूव करता रहे। और कई बार हम कहते हैं कि जो टेक्स्ट है वो भी बैकग्राउंड के साथ साथ मूव करता रहे। तो आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से हम उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। द बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई वेदर द बैकग्राउंड इमेज शुड स्क्रॉल और फिक्स, कि क्या आप पिक्चर को स्क्रॉल करना चाहते हो या पिक्चर को फिक्स करना चाहते हो। यानी कि अगर आप पिक्चर को फिक्स कर देते हो तो वो आपके पूरे पेज के हिसाब से हिलेगी नहीं, आपका टेक्स्ट मूव करता रहेगा, पिक्चर अपनी लोकेशन पर रहेगी। लेकिन अगर हम उसको स्क्रॉल कर देते हैं तो आपकी जो पिक्चर है वो भी स्क्रॉल होगी। तो किस तरह से हम करते हैं इसको, इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो यहां पर देखिए, मैंने स्पेसिफाई किया है बैकग्राउंड इमेज फिक्स करने के लिए कि सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज को एक यूआरएल दिया, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन उसको एक पोजीशन दे दी गई कि राइट में वो टॉप की तरफ आए, और बैकग्राउंड अटैचमेंट को फिक्स कर दिया। जब मैं फिक्स कर दूंगा बैकग्राउंड अपनी जगह फिक्स हो जाएगी और टेक्स्ट उसके ऊपर मूव करता रहेगा। आइए हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हम प्रैक्टिकली इसको किस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहां पर देखिए, मेरे पास से एक रैंडम टेक्स्ट पड़ा हुआ है, मेरा स्टाइल टैग है, मैं इसके अंदर वर्किंग को परफॉर्म करता हूं। सबसे पहले मैं देख लेता हूं मेरे पेज का व्यू कैसा है अभी। मैंने कंट्रोल ओ किया, अपने पेज को ओपन किया, डेस्कटॉप पे जाके मैं यहां लिखता हूं डेस्कटॉप। क्लास टू ओपन, तो ये मेरा सिंपल टेक्स्ट है जो वर्किंग को परफॉर्म कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ टेक्स्ट को भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा यहाँ पर इजीली वर्किंग को परफॉर्म कर सकूँ। मैंने जस्ट एक ही लाइन टेक्स्ट ही रखी है। मैंने सेव किया अपने पेज को। अगेन मैं ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश किया, तो मैं स्टाइल टैग के अंदर बॉडी को परफॉर्म करता हूं। बॉडी ये मैंने बॉडी के अंदर उसका सिलेक्टर पार्ट लिया कि मुझे करना क्या क्या है। मैं यहां लेता हूं बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, ए डॉट पीएनजी से। ये मेरा टेक्स्ट है, मैं थोड़ा सा टेक्स्ट और लिख लेता हूं ताकि मुझे ये पता लग जाए कि मेरी वर्किंग कैसे परफॉर्म हो सकती है। मैं इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं और अगेन कंट्रोल डी कर देता हूं से। कल हमने रिपीट प्रॉपर्टी को किया था, मैं इस रिपीट प्रॉपर्टी को अगेन यूज कर रहा हूं बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट से। तो यहां पर ये देखिए, ये मेरा टेक्स्ट है, जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो जो मेरी पिक्चर है वो मूव कर रही है अपने टेक्स्ट के साथ साथ। तो हम यहां सबसे पहला जो एग्जांपल है वो फिक्स पिक्चर का कर रहे हैं। मैं यहां पर आता हूं बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, मैंने पेज को सेव किया, मैं अपने ब्राउजर के अंदर गया, रिफ्रेश किया। अब आप देखिए, आपका सिर्फ टेक्स्ट मूव कर रहा है, पिक्चर आपकी उसी लोकेशन पर है, तो आपकी बैकग्राउंड फिक्स हो गई और टेक्स्ट स्क्रॉल करने लग गया। तो आप इस प्रॉपर्टी को इजीली यूज कर पा रहे हो। इसी तरह से आप बैकग्राउंड को स्क्रॉल कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली अगर हम कुछ ना भी लें तो वो स्क्रॉल में ही होता है। मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, अब मेरी बैकग्राउंड टेक्स्ट के साथ साथ स्क्रॉल कर गई ऊपर की तरफ को। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू। थैंक यू।